नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन साथी पे। तो आज हमारे पास है क्लास 12th का लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हम पिछले क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं, आज पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि पढ़ चुके हैं, ऐसा यानी प्रजनन की वह विधि जिसमें प्रजनन अंग भाग नहीं लेता है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं और सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जनन अंग भाग नहीं लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं, ये यूनिपेरेंटल होते हैं, इसमें गैमिटोजेनेसिस की क्रिया नहीं होती है। ये सारा कुछ हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब इसको ब्रॉडली यदि डिवाइड करें तो इसका फर्स्ट जो टाइप है वो है फिजन। फिजन जिसको विभाजन कहते हैं। दूसरा है बडिंग। तीसरा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन और चौथा है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन और एक और है लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। कायिक प्रवर्धन जिसको हिंदी में कहते हैं। ये अलग अलग जो है टाइप्स हो गया आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब सबसे पहले जो हमारे पास है फिजन, तो फिजन क्या है चलिए जानते हैं। फिजन का मतलब होता है विभाजन। विभाजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन AR, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह विधि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें जीवों का शरीर शरीर दो या दो से अधिक भागों में
बट जाता है, उसे फिजन कहते हैं। यानी विभाजन कहते हैं। तो यदि कोई एक अमीबा होगा, उसका शरीर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाएगा, तो ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाता है, ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, फिजन यानी विभाजन। अब है फिजन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ फिजन, टाइप्स ऑफ फिजन यानी फिजन कितने प्रकार के होते हैं। यदि फिजन के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट जो टाइप है यानी पहला प्रकार है बाइनरी फिजन, जिसको द्विविभाजन कहते हैं। बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन जिसे बहुविभाजन, बहुविभाजन कहते हैं, और तीसरा है मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन प्लाज्मोटोमी। ये तीन प्रकार होते हैं बाइनरी फिजन का, और इन्हीं तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बाइनरी फिजन से। पहला जो है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, देखिए इस प्रकार के फिजन में जीव का शरीर जो है दो भागों में बढ़ जाता है। तो देखिए इस प्रकार के फिजन में जीवों का शरीर दो भागों में डिवाइड कर जाता है, विभाजित हो जाता है, कर जाता है। जैसे यदि बात करें अमीबा की, तो ये एग्जांपल हो जाता है इसका अमीबा, अमीबा। तो ये रहा अमीबा, और अब ये यदि विभाजित होना चाहेगा तो अपने बॉडी को पहले इसे फैलाएगा, पूरा इसका बॉडी फैलेगा, तब ये जो है आसानी से दो भागों में यदि बंटना चाहेगा तो यहाँ से अब ये जो है डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड होकर के दो नया नया जो है अमीबा बना देगा। ये दो नया अमीबा बन गया। तो ये रिप्रोडक्शन का मेथड, ऐसा मेथड कहलाया बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन के कई सारे टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी
बाइनरी फिजन, नहीं बाइनरी फिजन के अलग अलग जो प्रकार हैं उसको पढ़ते हैं। पहला होता है ट्रांस, इससे पहले सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजन, सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजन, तो ये होता है अमीबा में, और सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन का यही एग्जांपल जो है दिखाया गया है आपको। ये एग्जांपल जो है अमीबा वाला, ये सिंपल या इरेगुलर, यानी किसी भी एंगल से इसमें अमीबा डिवाइड कर सकता है और इसका बॉडी जो है दो भागों में बट सकता है। अब दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तो ये होता है पैरामीशियम में। तो अब कोई ये एक पैरामीशियम रहा, ये पैरामीशियम का बॉडी, एक सेकंड, ये रहा पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का बॉडी जो है यदि डिवाइड करेगा यानी बटेगा, तो यहाँ से ये डिवाइड जब शुरू करेगा डिवीजन, तो ये पैरामीशियम ऐसे डिवाइड कर जाएगा। और इसका ये दो दो पैरामीशियम है, अब ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाएगा, यहाँ से, और दूसरा जो है ये, तो दो अलग अलग जो है पैरामीशियम का निर्माण हो गया। तो ये यहाँ से ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है, तो ये कहलाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और इसके बाद तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में अमीबा का बॉडी जो है लम अमीबा ने, इसका एग्जांपल हो जाता है युगलीना। और इसमें युगलीना का बॉडी ये रहा युगलीना, और इसमें युगलीना का बॉडी जो है लंबवत रूप से ऐसे ही डिवाइड कर जाता है, ये युगलीना जो है डिवाइड कर जाएगा और नया, ये इसका फ्लैजेला हुआ और नया युगलीना, दो अलग अलग नया युगलीना जो है यहाँ फॉर्म हो जाएगा, ये एक ये, तो ये कहलाया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। और ऑब्लिक बाइनरी फिजन में जो
एग्जाम्पल आ जाता है सीरेसियम, सीरेसियम ऑब्लिक बैंड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होता है। तो अब ये सीरेसियम का जो बॉडी है कुछ इस तरह से दिखता है। ये सीरेसियम रहा, ये ऑब्लिकली यहाँ से डिवाइड कर जाएगा। तो ये हुआ बाइनरी फिजन के अलग अलग टाइप्स। अब इसके बाद जो पढ़ने के लिए है वो है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन जो देखने को मिलता है प्लाज्मोड यानी मलेरिया पैरासाइट जो होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, प्लाज्मोडियम विवेक। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन का जो दूसरा प्रकार है, दूसरा है वो है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन जिसको बहुविभाजन कहते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म का शरीर दो से अधिक भागों में बट जाता है, बट जाता है एवं प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। तो ये कहलाया आपको मल्टीपल फिजन, जिसका एग्जाम्पल हम दो डिस्कस करेंगे, एक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम विवेक्स। तो ध्यान दीजिए प्लाज्मोडियम विवेक्स जिसको मलेरिया पारासाइट भी कहते हैं, ये एक प्रकार का प्रोटोजोअन है मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल में जो है अलग अलग फॉर्म आता है। जो साइजोंट वाला फॉर्म होता है ये यूनिसेलुलर होता है, इसका जो है साइजोंट यानी लाइफ में अलग अलग स्टेज होता है। तो ये वाला फॉर्म रहा इसका, ये एक सेल का होता है साइजोंट, साइजोंट वाला स्टेज है। अब इस स्टेज में ये मलेरिया जो है क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर जाएगा। और जैसे ही मलेरिया का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा मलेरिया पैरासाइट का प्लाज्मोडियम का, तो ये इसका आवरण रहा। अब इसमें इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके ढेर सारे इस तरह से डॉटर न्यूक्लियाई में बदल जाएगा, ये छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई में बदल जा रहा है। डॉटर न्यूक्लियाई बदल गया और जैसे इसके अंदर ये फुलफिल हो जाएगा यानी भर जाएगा, तो अब ये कुछ समय बाद रैप्चर कर जाएगा यानी फट जाएगा। तो जब ये फटेगा यानी रैप्चर करेगा तो इससे सारा डॉटर न्यूक्लियस जो है बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर मौजूद जो
डॉटर निकली है, वो अब सारा बाहर आ रहा है। और जितना सारा ये डॉटर निकलिया बना हुआ है, ये इससे बाहर निकल जाएगा और प्रत्येक से नए प्रत्येक जो है नया नया प्लाज्मोडियम बनाएगा, प्लाज्मोडियम बना देगा। और तो कोई यहाँ पे एक कोई बॉडी है और उससे ढेर सारे नए प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यही कहलाता है आपको मल्टीपल फिजन, यानी प्लाज्मोडियम में। इसी का दूसरा एग्जाम्पल होता है मल्टीपल फिजन इन अमीबा। मल्टीपल फिजन इन अमीबा, तो अमीबा नॉर्मली सिंपल या इरेगुलर फिजन के द्वारा डिवीजन शो करता है, बैंड डिफ्यूजन करता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अमीबा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने चारों ओर सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये सिस्ट जो है, यानी अमीबा के चारों ओर सिस्ट बनने का जो प्रक्रिया कहलाता है इनसिस्टमेंट, यानी ये थ्री लेयर का होता है। जैसे कोई ये एक अमीबा है, नॉर्मल है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल अब अमीबा ये अमीबा रहा, जब इसमें अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये अमीबा अपने चारों ओर जो है, ये पहले ये अमीबा रहा, ये इसका न्यूक्लियस रहा और ये इसका साइटोप्लाज्म। ये अपने चारों ओर तीन लेयर बना लेगा, ये तीन लेयर जो है इसके चारों ओर फॉर्म हो जाएगा। यही यानी इस लेयर जिसको कह देते हैं सिस्ट, ये लेयर जो है सिस्ट कहलाएगा, सिस्ट। और ये प्रक्रिया जो है सिस्ट बनने का, ये कहलाता है इनसिस्टमेंट, इनसिस्टमेंट।
जब इंसिस्टमेंट होगा तो फिर से जब नॉर्मल कंडीशन आएगा, उस नॉर्मल कंडीशन में ये अमीबा का सिस्ट रैप्चर कर जाएगा, ये सिस्ट जो बना हुआ था ये रैप्चर कर गया, और इससे पहले इसमें ढेर सारे अमीबुली बनता है, और ये अमीबुली जो है बाहर निकल जाएगा और प्रतीक जो है नया नया अमीबा बना देगा, और यही कहलाता है अमीबा में मल्टीपल फिजन। तो चलिए आज इसको यहाँ तक रखते हैं, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन, यानी फिजन का थर्ड पार्ट जो है प्लाज्मोटोमी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।